ओ शिवा, वो देखो तुम्हारी माँ क्या करने पर तुली हुई है। शिवा शिवा, शिवा शिवा, शिवा शिवा। 15, 101 बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। स्वामी, मन्नत पूरी हो गई तो मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा? उस जल पर्वत पर जाना छोड़ देगा? तो, शिव की शक्ति जानती हो? तुम मन से महाकाल का अभिषेक करो तो वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। ठीक है स्वामी। माँ, तुम अपने आप को छोटी बच्ची समझती हो क्या? इतनी भागदौड़ करोगी तो क्या हाल होगा तुम्हारा? माँ मेरी बात सुनो ना। जा, कभी तूने मेरी बात सुनी? बाबूजी, माँ को समझाओ ना। संगा क्या? अरे वो फूल तुमने कहा रखा? बाबूजी, बाबूजी छोड़ मुझे। अच्छा, तुम्हारी जगह मैं कर दूं? मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी वही पूरी करे। स्वामी, तुम अपना हाथ मरोड़ो ना। माँ, माँ क्या है रे? माँ, मैं तुम्हें ऐसे उठा लूंगा, अब नहलाओ अपने शिव को, मान जाओ ना। ना, शिव नहीं मानेंगे। जिसने मन्नत मानी है उसी को पूरी करनी होगी और चल के पूरी करनी होगी। स्वामी, आप और आपके शिवजी मेरी माँ की जान लोगे क्या? पता नहीं शिव के मन में क्या चल रहा है, वो हम क्या जाने। शिवा शिवा, ए सांगा, देख तेरा बेटा क्या करने जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है? शिवा, रुक जा। क्या कर रहा है? नरक में जाएगा। शिवा, रुक जा, रुक जा। शिवा, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिवजी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ, अब तो खुश हो ना।